दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। रोहित ने वनडे में खेले हैं 221 मैच, देखें 221 वनडे के बाद कोहली और रोहित में कौन है बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 1000 लाइक का, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, रोहित और कोहली को जरूर सपोर्ट करें। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच कटक में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेट से हराया था और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया था। भारत की ओर से विराट कोहली ने 81 गेंदों में 85 रन की शानदार पारी खेली, वहीं रोहित शर्मा ने भी केएल राहुल के साथ मिलकर शानदार ओपनिंग साझेदारी की। रोहित शर्मा ने इस मैच में 63 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। आज हम आपको भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा और रन मशीन विराट कोहली के आंकड़ों के विश्लेषण करेंगे। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अब तक 221 मैच खेले हैं, तो दोस्तों चलिए जानते हैं 221 मैचों के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन खिलाड़ी सबसे बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों के बारे में। दोस्तों भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में कुल 221 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 49.14 की औसत और 88.88 की स्ट्राइक रेट से 8,944 रन बनाए हैं, जिसमें 28 शतक और 43 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित शर्मा का वनडे करियर का सर्वाधिक स्कोर 264 रन का रहा है। वहीं विराट कोहली के आंकड़े 221 मैचों के बाद देखें तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने करियर के शुरुआती 221 मैचों की 213 पारियों में 59.50 की औसत और 92.66 की स्ट्राइक रेट से कुल 10,473 रन बनाए थे, जिसमें 39 शतक और 48 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 183 रनों का रहा है। दोस्तों आपके अनुसार रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। ज्यादा दोस्तों साल 2019 भारतीय क्रिकेट के लिए काफी शानदार रहा, भले ही इस साल भारतीय टीम विश्व कप नहीं जीत पाई, लेकिन इस साल भारतीय क्रिकेट को कुछ ऐसे युवा खिलाड़ी मिले हैं जो आगे चलकर काफी दिग्गज खिलाड़ी बन सकते हैं। केएल राहुल, सुरेश अय्यर और ऋषभ पंत ये तीन ऐसे ही बल्लेबाजों के नाम हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने 2019 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो चलिए हम वनडे 2019 में तीनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि इन तीनों में से कौन है ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज रहा है। वनडे 2019 में ऋषभ पंत के आंकड़े, ऋषभ पंत ने अपने वनडे करियर में 2019 में 12 मैच खेले हैं और 11 पारियों में बल्लेबाजी की है। पंत ने 27.73 की औसत के साथ और 102.67 के स्ट्राइक रेट के साथ 305 रन बनाए हैं। पंत ने एक अर्धशतक लगाया है और उनका सर्वोच्च स्कोर 71 रनों का रहा है। वहीं वनडे 2019 में केएल राहुल के आंकड़े, केएल राहुल ने 2019 में कमाल की बल्लेबाजी की है। वनडे और टी20 में भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता है। राहुल ने 13 वनडे मैच खेले हैं और 13 पारियों में 572 रन बनाए हैं। उनका औसत 47.67 का रहा है और स्ट्राइक रेट 81.13 का रहा है। राहुल ने 2 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 111 रनों का रहा है। वहीं वनडे 2019 में सुरेश अय्यर के आंकड़े देखें तो सुरेश अय्यर ने 2019 में पहले टी20 टीम में जगह बनाई, उसके बाद उनके लाजवाब प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें वनडे टीम में जगह मिल गई। उन्होंने वनडे में भी कमाल का प्रदर्शन किया है। इस साल अय्यर ने 6 वनडे मैच खेले हैं और 5 पारियों में बल्लेबाजी की है। उन्होंने लगातार 4 अर्धशतक लगाते हुए 53.30 की औसत के साथ 266 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 112.71 का रहा है और वह 4 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 71 रनों का रहा है। दोस्तों आपके अनुसार इनमें से कौन ज्यादा खतरनाक युवा बल्लेबाज है, आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।